दोस्तों, मेरा नाम है जसप्रीत सिंह और मैं आज आपसे जीके के 10 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा और उनके जवाब भी दूंगा। आपने मेरे जवाब से पहले अपना जवाब कमेंट करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? सही जवाब है टॉक्सिन। दूसरा सवाल है, किस देश में पेट्रोल की कीमत 1 रुपये से भी कम है? सही जवाब है वेनेजुएला। तीसरा सवाल है, सिर कटने पर इंसान कितने समय जीवित रहता है? सही जवाब है लगभग 20 सेकंड। चौथा सवाल है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? सही जवाब है अहमदाबाद। पांचवा सवाल है, किस देश में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? सही जवाब है भूटान में। सिक्स सवाल है, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है? सही जवाब है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। सातवां सवाल है, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? सही जवाब है 1847 में। आठवां सवाल है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब है 1901 में। नौवां सवाल है, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? सही जवाब है 22 वर्ष। दसवां सवाल है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुर्गी पहले आई या अंडा? सही जवाब है, वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि पहले मुर्गी आई है, फिर बाद में अंडा आया है, क्योंकि अंडा बनाने के लिए जो तत्व की जरूरत होती है वह सिर्फ मुर्गी के गर्भाशय में उपलब्ध होती है और बिना मुर्गी के अंडा नहीं हो सकता है। दोस्तों, मैं तो इस जवाब से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त इस जवाब से सहमत नहीं होंगे, लेकिन आपको ये भी बात माननी पड़ेगी कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विज्ञान को ही मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं। यदि हम विज्ञान के अलावा धर्म की बात करें तो इसके बारे में सिर्फ सिखों के गुरु नानक देव जी ने अपनी जपजी साहिब बाणी में लिखा है कि तप साओ एको कवाओ इसते होए लख दरियाओ। इसका मतलब है कि सब कुछ एक ही समय में बना है, ना पहले मुर्गी आई है ना पहले अंडा, मतलब सब कुछ एक ही समय में बना है। आप धर्म से सहमत हैं या विज्ञान से सहमत हैं, अपना जवाब नीचे कमेंट कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।